एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक के निधन ने आज 9 मार्च को बॉलीवुड को स्तब्ध कर दिया। तमाम लोगों को आज गुरुवार सुबह यह खबर मिली और लोग सुबह से ही सतीश को तरह तरह से याद कर रहे हैं। अचानक हुई इस मौत ने हिंदी फिल्म उद्योग को झकझोर कर रख दिया। कई कलाकारों ने एक्टर के साथ अपनी यादें साझा की। सतीश के करीबी दोस्त और अभिनेता अनुपम खेर ने आज गुरुवार सुबह कहा कि अस्पताल ले जाते समय दिल का दौरा पड़ने से सतीश कौशिक का निधन हो गया। सतीश कौशिक 66 साल के थे। वहीं सतीश कौशिक के राजस्थानी कनेक्शन की बात की जाए तो उनकी मां राजस्थान की रहने वाली थी और उनके पिता हरियाणा से थे। एक बार अपने फिल्मी सफर के दौरान वे राजस्थान फिल्म फेस्टिवल सीजन 7 में आए थे। उनके साथ बॉलीवुड एक्टर शक्ति कपूर, श्रेयस तलपंडे, राजेश पुरी, नेहा श्री आदि ने रीजनल सिनेमा की दशा और दिशा पर चर्चा की। इस दौरान चर्चा में उन्होंने बताया कि मैंने कई लैंग्वेज में मूवी बनाई है और जब राजस्थान के लिए मौका मिलेगा तो यहाँ भी बनाऊंगा। इसी दौरान कौशिक ने पर्सनल लाइफ शेयर करते हुए कहा कि मैं सिर्फ एक्टिंग में ही जाना चाहता था। आपको बता दें, सतीश कौशिक का जन्म दिल्ली में हुआ। वहीं उन्होंने बताया कि कॉलेज टाइम से एक्टिंग करता था। एक बार मेरे टीचर ने कहा तुमको हीरो बनना चाहिए और मैं मुंबई तक आ गया। पंजाब केसरी के लिए प्रियंका शर्मा की रिपोर्ट।